हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसा नाश्ता का रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारा बन करके रेडी होता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार, देखने में बहुत ही खूबसूरत। तो वीडियो शुरू करते हैं, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो आलू लेंगे उबला हुआ, और हम इसे घिस लेंगे। इसे हम खींच लेंगे। एक पैन गर्म करके उसमें थोड़ा सा डालेंगे तेल, और एक चुटकी से भी एक चुटकी में डालेंगे जीरा। जीरा को चटका लेंगे। जीरा चटकने के बाद हम उबले आलू को इसमें डाल लेंगे। इसमें फ्राई कर लेंगे। हल्का से इसमें डाल देंगे हम हल्दी। थोड़ा सा हम एक चुटकी डाल देंगे नमक। अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। आलू मेरा मिल चुका है, इसे हम बंद करने के लिए और इसे निकाल के सिर्फ बर्तन में फिर हम ट्रांसफर कर देंगे ठंडा होने के लिए। उसी पैन को हम फिर से गर्म करेंगे और फिर इसमें हम लेंगे आधी कटोरी सूजी, और इसे हम हल्का फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो एक मिनट लगभग हम इसे फ्राई करेंगे। एक मिनट लगभग ये फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्के सी पानी, जिसे हम डालेंगे। पका लेंगे इसे। इसे हम ठंडा नहीं होने देंगे, सब मिश्रण को एक साथ करते हैं। तो आलू वाले बर्तन में ही हम सूजी निकाल करके रख लेंगे। और फिर हमने ये लिया है 2-3 लहसुन का चावा, 2 हरी मिर्ची, और एक कटा हुआ 4 भाग में 1 भाग प्याज। तो इन सबको हमने पेस्ट बना लिया है, तो ये भी इसमें हम डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे।
अच्छे तरह से इसे मिला करके हम इसी बर्तन में सेट होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। बहुत ही टेस्टी मेरा नाश्ता बन करके रेडी होगा। इस तरह से इसे हम मिला लेंगे। तो इसे हम इसी बर्तन में जमा लेंगे। जमा करके हम थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए इसे हम जमने देंगे, फिर इसे की हम पीसेस करेंगे। तो रख देते हैं 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होकर के, ये जम बिल्कुल जम जाएगा। तो 10 मिनट तक हमने इसे ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये ठंडा हो चुका, तब इसके हम पीसेस काट लेंगे। छोटे छोटे हम पीसेस काट लेंगे इसको। फिर इस पीसेस को हम निकाल लेंगे। तो इसे हम पलट देंगे। इस तरह से हमने सारे पीसेस को निकाल करके रख लिया है। एक पैन में हम तेल को गर्म कर लेंगे और ये जो मेरा नाश्ता है इसे रखें फ्राई कर लेंगे। तो अलग अलग जगह में रखेंगे, एक जगह नहीं रखेंगे। फिर इसे हल्के हल्के हाथों से हम फ्राई कर लेंगे। सो इसे हम तेज आंच पे ही फ्राई करेंगे, कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तेज आंच पर हम फ्राई कर लेते हैं। फिर इसे हल्के हल्के हाथों से हम पलट देंगे, दूसरी साइड हम कर देंगे। सारी पकाते हुए उसे निकाल लेंगे। तो देखिए मेरा नाश्ता बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारा सा, खाने में इतना मज़ेदार, देखने में भी इतना खूबसूरत कि कोई भी अगर खाए तो फिर दोबारा खाने की इच्छा करे और इसे बनवाने की भी इच्छा करे। तो अभी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना है। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।